हर शहर कस्बे में साप्ताहिक बाजार में स्टॉल लगाकर करें कपड़ों का व्यापार। हर शहर और कस्बे में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के आकर्षण के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण ये है कि बढ़ रही महंगाई से परेशान व्यक्ति सस्ती चीजों को खरीदना चाहता है। ऐसे व्यक्तियों को ये साप्ताहिक बाजार काफी सहारा देते हैं। इस तरह के साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कम समय में कम मुनाफे पर अधिक माल की सेल करना चाहता है, इसलिए वो इन बाजारों में सस्ता माल बेचता है। इन बाजारों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों का टारगेट कम पैसे वाले ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, इसलिए यहाँ आने वाले ग्राहकों की पसंद का सस्ते से सस्ता सामान लाते हैं। कम पूंजी में अधिक मुनाफे वाला होता है कपड़े का बिजनेस। इन साप्ताहिक बाजारों में कपड़े का बिजनेस शुरू करने से पहले हमें इन बाजारों का कल्चर समझना होगा। ये साप्ताहिक बाजार उन स्थानों के आसपास लगते हैं जहाँ गरीब तबके के लोग अधिक रहते हैं। ये लोग अधिकांश छोटी मोटी कंपनियों और फैक्ट्रियों में छोटी मोटी तनख्वाह पर काम करते हैं। चूँकि गरीब हो या अमीर, रोटी के बाद कपड़े की जरूरत तो सभी को ही पूरी करनी पड़ती है। रोटी की जरूरत पूरी करने के बाद कपड़े की जरूरत को पूरा करने के लिए गरीब व्यक्ति बढ़ती महंगाई में अपने बजट के हिसाब से सस्ती खरीद करना चाहता है। इन गरीब ग्राहकों के साथ व्यापार करने वाला बिजनेसमैन भी गरीब और निचले तबके का होता है। वो थोक मार्केट जाकर इन गरीबों को पसंद आने वाले लोकल माल को लाकर सीधा मार्केट में बेचता है। साप्ताहिक बाजार में कपड़ों के बिजनेस के मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं। कम बजट का बिजनेसमैन अपनी सीमित पूंजी में थोक मंडी से गरीबों की पसंद वाले सस्ते आइटम लाकर अधिक मुनाफा कमाता है। यहाँ के बाजारों में मैदान पर लगने वाली दुकान का किराया बहुत ही कम लिया जाता है। इसके अलावा अन्य कोई खर्चा नहीं होता है। यदि किसी सहाय की आवश्यकता होती है तो दुकानदार अपने ही परिवार के सदस्य को साथ बाजार ले जाता है। शाम के समय लगने वाली इस तरह की बाजार के समय उनके परिवार के सदस्य यानी बच्चे फ्री होते हैं, जो अपने अभिभावक की इस बिजनेस में मदद करते हैं। कम पूंजी में अधिक माल और व्यापार की लागत कम होने के कारण साप्ताहिक बाजार में कपड़ा सस्ता बिकता है। साथ ही यहाँ के कपड़े की डिजाइन और क्वालिटी भी अच्छी होती है, जिसे यहाँ आने वाला ग्राहक खूब पसंद करता है। साप्ताहिक बाजार में कपड़ों का व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन सब परिवार में सभी उम्र के लोगों की जरूरत के कपड़े बेचते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, सूट, फ्रॉक, जूते, मोजे। इससे बड़े बच्चों के लिए सूट, डिजाइनर, फ्रॉक, पैंट शर्ट, जीन्स टॉप आदि बेचते हैं। इसके अलावा युवाओं के पसंद के जीन्स, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पैजामा, बरमूडा आदि बेचते हैं। लड़कियों और महिलाओं की पसंद वाले सूट, गाउन, नाइट सूट, सलवार सूट, सलवार सूट के कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, अंडरगारमेंट, चादर, तकिया के कवर, सोफे के कवर, तौलिया, गमछा सहित सभी जरूरत के कपड़े बेचे जाते हैं। साप्ताहिक बाजार के बिजनेसमैन सभी वैरायटीज के कपड़े इसलिए रखते हैं ताकि बाजार आने वाले ग्राहक को अपनी पसंद की चीज मिल जाए, ताकि वो ग्राहक हर बार बाजार में आ सके। इससे बाजार में आने वाले ग्राहक निराश नहीं होंगे और बिजनेस बढ़ेगा। इससे दुकानदारों को फायदा होगा। कम पूंजी में अधिक सामान लाने वाला बिजनेसमैन साप्ताहिक बाजार में आने वाले ग्राहकों की संख्या को देखते हुए मौका देखकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का प्रयास करता है। जैसे साप्ताहिक बाजार के लगने से शुरू के 2-3 घंटे तक सबसे अधिक मुनाफा कमाया जाता है। इसके बाद जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि अब ग्राहक के घटने का समय आ गया है, तो वो अपना मुनाफा कम करके कपड़े बेचना शुरू कर देता है। इस तरह से उनकी सेल बढ़ जाती है। उनका टारगेट अधिक से अधिक माल बेचकर पुराना माल खत्म करना होता है, ताकि अगली बार बाजार में नया माल लाया जा सके। कैसे शुरू किया जाता है कपड़े का बिजनेस? साप्ताहिक बाजारों में कपड़े का बिजनेस करना बहुत आसान है। स्थानीय थोक मंडियों में निर्माता इन साप्ताहिक बाजारों में बिकने वाले कपड़ों को विशेष रूप से बनवा करके थोक मंडियों में बेचता है। साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाने वाले व्यापारी इन थोक मंडियों में मिल रहे सामान को थोक भाव में ले जाते हैं। ये व्यापारी पहले थोड़ा थोड़ा माल लाकर अपनी दुकान सजाते हैं, बाजार में आने वाले ग्राहक की पसंद को देखते हैं, उसके हिसाब से अगली बार सामान अधिक खरीदते हैं। जैसे जैसे ग्राहकों की पसंद उनको समझ में आने लगती है, उसी तरह से अपनी दुकान का सामान बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन इन साप्ताहिक बाजारों में प्रत्येक सीजन के हिसाब से कपड़ों का बिजनेस बदलते रहते हैं। जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े, शॉल, स्वेटर, कार्डिगन, कंबल, रजाइयां, जैकेट, ऊनी टोपी, मोजे, मफलर आदि का व्यापार करते हैं। गर्मियों में इस तरह सीजन की डिमांड का सामान इन साप्ताहिक बाजारों में देखने लगता है। इन साप्ताहिक बाजारों में छोटी छोटी दुकान लगाकर कपड़े का बिजनेस करके काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके लिए अधिक पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती। कितनी लागत में शुरू हो सकता है ये बिजनेस? साप्ताहिक बाजार में कपड़े का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपना बजट देखना होगा। आप कम से कम बजट में भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी के पास 5,000 रुपए हैं और वो बिजनेस करना चाहता है, तो वो मोजे, रुमाल आदि छोटे छोटे आइटम रखकर बिजनेस कर सकता है।